Katarina. अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके एसबीआल का। मैं हूं जिसका मेजबान जुनैद सलीम और आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं काफ लीग के कायद मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब और हमारे साथ लाइन पे हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम पे और मैं खुद भी आपके प्रोग्राम में खुश हो गया। तो आपकी मोहब्बत सर साहब, मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपका प्रोग्राम, वरना तो आपको पता है मैं आपको कभी टीवी पे बहुत कम नजर आता। हाँ जैसे आप बहुत ही कम कम देखने में आ रहे हैं आप, लेकिन कल आपके हवाले से हमने ये खबर पढ़ी और सुनी कि आप अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए निकले और आपने कमर कस ली है इस काम के लिए। कमर तो अल्लाह के फजल से अब ठीक है। नहीं, कमर कसने से मुराद है तैयारी कर लिए, इरादा कर लिया। ये तो इस वक्त जरूरत है इस चीज की, मुल्क को बचाने के लिए ये बड़ा जरूरी है। आप देख ही रहे हैं कि मुल्क की क्या हालत हो गई है और अगर हम लोग अगर नहीं बाहर निकलेंगे तो ये किस तरह फिर बेहतरी। तो सर इनका नाथ क्या है, अपोजिशन को इकट्ठा कर लेंगे आप इंशाल्लाह? अभी तो मैंने सिर्फ बयान दिया है तो लोग इस तरह मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं जैसे एयरपोर्ट के बरांडे पखा लगा हो थले सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इससे ये ना समझिएगा कि मैं पंखा हूँ। चौधरी साहब स्टेशन पे पखे लगे होते हैं ना, एयरपोर्ट तो एसी लगा होता है ना। मेरा ख्याल है सिर्फ जाते ही रेलवे स्टेशन की तरफ है, इसलिए आपको यही पता है कि रेलवे स्टेशन पे पखे लगे होते हैं। कभी एयरपोर्ट का चक्कर लाओ, उसे भी पखे लगे होते हैं। पखे भी लगे होते हैं, जेब कतरिया के दा भी लगे होते हैं। चौधरी साहब मेरी बहुत इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रहती है। अपनी खोती रेड़ी थी जानते हो सब, बाई एयर जाता हूं मैं। जहाज तो एयरपोर्ट तो नहीं उड़ता, बनेरे तो उड़ता है। बाई एयर जाते हो तो जो एयरपोर्ट जाते हो तो सज्जे खब्बे उत्ते थले वेखे करो, पखे लगे होंगे जे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप उस तहरीक के लिए तैयार हैं जिसके लिए चौधरी साहब सबको मोटिवेट करना चाह रहे हैं? जुनेद साहब, हमें किसी दूसरे की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। बल्कि अगर किसी दूसरे को मोटिवेशन की जरूरत है तो वो हमसे ले मोटिवेशन। मोटिवेशन बड़ी पड़ी है जी, एडीडी मोटी मोटिवेशन पड़ी है। एक कितो आवाज उंडी है भाई साहब जी। चौधरी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब लाइन पे रेलवे लाइन पे नहीं नहीं, वो तो खुद तो लंदन में है, हमारे साथ नशियाती रबते पे है जो आजकल लंदन ने। हाँ जी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ते घर च छोटा मुंडा, इन्हें तो नहीं पता लगता कि घर च जेड़ा छोटा मुंडा हो जी ओ भी पूछना पैंदा वो कितने जो निका, वो कभी बेड थले बड़िया होंगे, कभी रुस के पौड़ियां थले सुता होंगे, कभी गेम खेडन छत चढ़िया होंगे, कभी चीज लैन गया होंगे गली च। जिस तरह घर आले निके मुंडे दे मगर भजे फिरते हैं, इस तरह अपोजिशन ताहिरुल कादरी साहब के पीछे भजी फिरती है। ये आजकल लंदन चले जी, जी अभी तक रब्ता नहीं हुआ आपका इनसे? नहीं जी, पता ही नहीं है किसे रब्ता कितो करिए। हुण तुसीं दस्सिया लंदन ने ते मिलाने इन्हां नूं फोन, लंदन की कॉल किन्ने दी पैंदी है जी? जरूर कॉल कर रही है, तुम करोगे तुसी मिस बेल मारो। नहीं गौरी साहब, मिस बेल क्यों मारनी है, खुद फोन करेंगे, अल्लाह के फजल से हम खर्चे से नहीं डरते। हमने तो सारी अपोजिशन की मेजबानी की भी ऑफर कराई है, सारी अपोजिशन की अल्लाह के फजल से मेजबानी हम करेंगे। वैसे भी चौधरी दे के बंद है, लेके थोड़ा बंद है, इसलिए हम खुद इंशाल्लाह कॉल करेंगे। मिस बेल किस लिए दे रही है, मैं कोई इमरान खान मिस बेल ना करता फिर।
जुनेद साहब यही तो मसला है कि इन मिस कॉल्स ने, इन मिस फायर्स ने ऑपोजिशन का बेड़ा घाट करके रख दिया है और अभी चौधरी साहब बातों ही बातों में हमें घर का छोटा मुंडा करार दे रहे थे। मैं ये वजाहत कर देना चाहता हूँ कि हम घर के छोटे मुंडे नहीं बल्कि सबसे बड़े मुंडे हैं। सबसे बड़े सबसे बड़ा मुंडा जोड़ा हर दूजे दिन घरों नहीं नस जाता कदी इस गल तो दौड़ जाता मेनू वड्डी बोटी क्यों नहीं मिली। भाई जी छोटी खा लो नहीं मैं मुंडा वड्डा मेनू बोटी भी वड्डी दियो। कदी कह दिता तुसी निक्के मुंडे दा रिश्ता तय कीता मेरे को पुछी ही नहीं। यार जो तेरा रिश्ता तय कीता सी उदों निक्के मुंडे को पुछिया सी। कदी इस गलों दौड़ जाता जी अब्बा जी ने आप नवी मोटरसाइकिल ले ली मेनू पुरानी दे दी। यार अब्बा लगे तू वड्डा मुंडा लगे जेड़ा अब्बा लगे ओदी नवी मोटरसाइकिल नहीं बनदी। असल में चौधरी साहब घर में सबसे बड़े है ना इसलिए इन्हें वड्डे मुंडे के बारे में सब कुछ पता है। ये गल घर च तू भी सब तो वड्डा है तू बारिशें च बह गए। भाई बड़े मुंडे से मुराद हमारी ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क के बड़े सियासतदान हैं, बुर्दबार हैं, मतीन हैं, ज़हीन हैं, फतीन हैं, दूरबीन हैं, अवाम की ख्वाहिशात की महजबीन हैं, हुकूमत के नुक्ताचीन हैं, सियासत में नीट एंड क्लीन हैं, बातिल के सामने खड़ी होने वाली सफ़े अव्वलीन हैं, बस अवाम से कहने वाले एक दो तीन हैं। डॉक्टर साहब हम आपकी इन्हीं बातों के सामाइन हैं। आप तो रोजों में बचने वाला टीन है। जितने टीन बजे ना देखना सारी आवाम जाग पड़ेगा। नाजीन ग्यारह में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जैसे ये जो अपोजिशन को इकट्ठा करने की आपकी कोशिशें हैं ये तहरीक की शक्ल कब इख्तियार करेंगी? जैसा ये सिर्फ इकट्ठा करने की जरूरत है। तहरीक तो पहले भी चल ही रही है लोगों के दिलों में हुकूमत के खिलाफ तहरीक चल रही है। अच्छा सिर्फ लीड करने की जरूरत है। लोग खुद बहुत बाहर निकलेंगे। अवाम बड़ी परेशान है और वैसे भी कोई भी तहरीक चले ना जी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही बाहर आ जाते हैं। जिस तरह तुसी अंब कटो तो वड्डी मक्खी नहीं आ जाती। वैसे आम आपको कभी भी बड़ी मक्खी नजर नहीं आएगी सारी छोटी मक्खियां होंदिया ने मगर अंब तुसी कटो तो नाल ही वड्डी मक्खी जरूर आ जाती है। तुहाडे चैनल च कोई वड्डी मक्खी है नहीं तुसी इत्थे अंब कटो अपने मेज ते हुणे वड्डी मक्खी ना आई ते दांगे। वाकई बड़ा जबरदस्त नुक्ता उठाया चौधरी साहब ने। बड़ी मक्खी वैसे आम तौर पे नजर नहीं आती। हाँ जी हाँ जी जो तो अंब कटो ना तो छोटी मक्खी जाके बड़ी मक्खी को कह दी है आप आ जा अंब कटे गए नहीं। चौधरी साहब क्या गल दसी जी अंब दिते बड़ी मक्खी दी बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अंगूरों में भूंड जरूर होता है। क्यों जी? असल में भूंड जो है ना जी अक्सर शराब पीते है और उन्होंने भी पता है कि शराब अंगूर दी बनती है। अंगूर बड़ा पसंद करते हैं। मैं एक दफा 3 किलो अंगूर लेके शाबर में डाल के तो गाड़ी में बैठ गया और जो तो गड्डी टूर पे ही शीशे सारे होते उत्ते ते पूंड शाबर च निकल के सीट ते बैठ गया। मैं सूफी ने गया मैं शीशा थले कर पूंड बाहर कट कहते नहीं चोरी साहब नहीं निकलता पिया इन्हें अगे जाना है। फिर भूंड पूरा आया तो फिर भूंड बाहर निकले। हाजी निकलन तो पहले उन्हें सूफी को पूछिए किन्ना किराया बने मैं मार जूती सिर च नाम मुराद दे। जनेश सलीम साहब अब आपको समझ आ गई होगी कि तहरीक क्यों नहीं चल रही। हाजी भूंड नहीं चलन दे रहे। जहां भूंड और वड्डी मक्खी की बात होगी वहां तहरीक क्या खास चलेगी? डॉक्टर साहब भूडा को अग कई इंग्लैंड पाउंडा च चले गए। चौधरी साहब मैं आपसे तहरीक की तारीख पूछना चाह रहा हूँ। साहब बात असल में ये है कि ये जो डॉक्टर साहब गर्मी खा रहे हैं इन्हीं की वजह से
तहरीक लेट हो रही है। ये गर्मियों की छुट्टियां खत्म होगी ना जी, तो ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां खुलेंगी तो फिर तहरीक जोर पकड़ेगी। गर्मियों की छुट्टियों का तहरीक से क्या ताल्लुक है जी? डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद रहे ना जी। अच्छा, तो आपकी सारी उम्मीदें डॉक्टर साहब के स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से हैं? और ताड़ा की ख्याल है साडे जल से फ्रांस तो लोग आंदे ने। जनाब साहब तहरीक तो चली हुई है, लोग बहुत सख्त परेशान है, हुकूमत के खिलाफ बेचारे उबल रहे हैं लोग। अब यकीन मानेंगे गरीब आदमी बेचारा भूखा मर रहा है, बीमार आदमी दवाई के बगैर मर रहा है, पढ़ने के लिए स्टूडेंट परेशान है, शरीफ बरादरान जदों गल करते हैं सड़कों के मोटरवे की गल करते हैं, बंदा पूछे गरीब आदमी ने रोटी मोटरवे ने ला के खानी है, बीमार आदमी ने मोटरवे का गीटा पीस के जख्म दिलाना है, या मोटरवे की बजरी पानी नाल खानी है मरीज ने। खुदा तो खाओ खाओ तुसी तालीम वाल तवज्जो दियो, जिहड़ा स्टूडेंट है उन्हें मोटरवे ते बह के पढ़ना है, कोई खुदा का खौफ खाए, सड़कें बनाते जा रहे हैं, कोई स्कूलों कॉलेजों की तरफ तवज्जो दे। बेशुमार स्कूल ऐसे हैं जनाब साहब जिथे खोते बजे जे। मैं तो कहना यार कई साल तो खोते स्कूलों बजे ने, इन्हों को नहीं मैट्रिक होने दिया, हूँ इन्हों कढ़ दियो स्कूलों। मैं आपसे तहरीक की तारीख पूछ रहा था। तहरीक की तारीख तो कोई भी नहीं पूछता, मई की तारीख पूछो, जून की तारीख पूछो, जुलाई की तारीख पूछो। मेरा मतलब तहरीक कब चलनी है? साढ़े बहुत मिल लगता तहु इंतजार है तहरीक का, तुम किधरे धरने के बहर स्टॉल तो नहीं लाना? अगे भी कई सिफारिशा मेरे को आई जाने के धरना लगा तो सानू स्टॉल ला देना। और जनाब आपको बताया तो है कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होती हैं, डॉक्टर साहब के कॉलेज स्कूल खुलते हैं, तो इंशाल्लाह तरीक शुरू हो जाएगी। चौधरी साहब, अगर हमारे तालीमी इदारों के बलबूते पे ही तहरीक चलानी है तो कीजिए कुशादा दिली का मुजाहरा, क़यादत भी हमें सौंप दीजिए। ले यार तू ले ले, जड़ा सी पपीता खान रहे ना तू खा ले। इस वक्त अपोजिशन कोई इकट्ठा करना डड्डू तोलन दे मंत्रा दे, एक डड्डू चुक के तकड़ी च रखो दूजा छाल मार जाता है, दूजा चुक के रखो तीजा छाल मार जाता है। आप तो खासे मायूस लग रहे हैं अपोजिशन के हवाले। भी मायूस ना ये कई साल हो गए अब तो घर बैठे हुए, अल्लाह जानता हूं तो प्रोटोकॉल वाली गड्डी का हॉर्न ही भूल गया कि हो जाता वो जेड़ा हूं तो कोई बेचारा बुढ़ा बंदा गोडिया की तकलीफ तो उठने ले करे तो वो मजा ले। मैं एक बारी एक बाबे नूं गया, मैं यार घड़ी घड़ी उठ दे रहा लम्मा हरन सुनना चाहना। मैं एक दिन आके के मैं सूफी नूं गया, मैं सूफी लम्मा पै जा, मैं 112 नूं फोन करना, ओदी गड्डी दा ही हरन सुन लईए। चौधरी साहेब, डॉक्टर ताहरुल कादरी के होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। ओ यार तू इत्थे होवे ते ना घबराइए, बाहरों बह गए डॉक्टर साहब कही जाते हो ना घबराना ना घबराना। ये तो वही गल हुई जनाब साहब, साडे पिंड का एक बंदा इंग्लैंड चला गया, तो पिछों दे घर च डाकू वाड़ा है, ओदी बीवी ने उन्हें फोन करके इंग्लैंड दसिया कि घर च डाकू वाड़ा इन्हें, तो उतों बैठे कहिंदा घबराना ना। उन्हें कहा डाकू ने पिस्तौलां कढ लईआं ने, तो कहिंदा घबराना ना। जो तो डाकू सारे पैसे खो के टुर गए ना जी, फिर बीवी ने फोन से उधर आ गया, कहती सारे पैसे डाकू ले गए हूं नवा खर्चा भेज तो घबराना ना। घबराना ना। नाजिंगिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार भाज
जुनैद हमने पहला टेस्ट मैच तो बड़ा हलाला करके जीत लिया था, लुडिया शडिया भी डाल ली थी, मोटी बूंदी वाला लड्डू भी मुझे खिलाया मल्ले वाले लड़कों ने, मगर इस टेस्ट में तो अंग्रेज हमें ऐसे मार रहे जैसे पांच छह बंदे रल के मलंग की जुए नहीं मारते। कल के हमारे लड़के गेंद करा रहे हैं, अंग्रेज बंदा ही नहीं बन रहा, हद हो गई है। इस तरह फेंटी लगाती है किसी घर आए हुए मेहमान को। टेस्ट मैचेस में ये उतार चढ़ाओ खेल का हिस्सा है। और नहीं यार खेल का क्या, मिलाओ जरा इस अंग्रेज को फोन, मिला के मुझे दो, अंग्रेजी में बात करनी है तुमसे नहीं होगी। अच्छा अभी तो वो खेल रहे हैं बात बात, अभी तो नहीं अभी करते हैं यार। फेंटी की अंग्रेजी क्या है? फेंटी की अंग्रेजी है 35। अगर इसी अंग्रेजी के साथ बात करनी है ना, अभी तो सिर्फ खिलाड़ियों को फेंटी पड़ रही, फिर तुम्हें भी पड़ेगी। नहीं तो पीछे से प्राउंट करते रहना, माइक खोल लेते हैं, मैं जरा रोब से बात करूंगा ना, तुम हंस पढ़ते हो, तुम्हें पड़ गई हो या जुगतों की आदत, तुमने उनके कैप्टन का कह देना बड़ा तेरा मासी तंदूर वाली तो पेड़ का मुंह है, बात फिर ठंडी पड़ जानी, माँ जरा उसको खींच के बात करनी चाहिए। ओ सर क्या खींच के रखेंगे, ना हमारी इन स्विंग की उन्हें समझ आ रही, ना आउट स्विंग की, ना यार्कर की, ना गुगली की, क्या करेंगे हम? ओ भाई उनको तो समझ आ रही है, हमें नहीं समझ आ रही है। उनको समझ आ रही है तो वो फेंटी लगा रहे हैं। वैसे थैले तेरा भी मान से अजीब हिसाब है, लोगों से पूछे ना आपने कितनी क्रिकेट खेली है, कोई बताता है जी मैंने सेंचुरी की हुई है, कोई कहता है दो सेंचुरियां, कोई कहता है जी 350। इसको जब पूछे तुमने क्रिकेट कितनी को खेली है, कहता जी बांह तुड़ाई, पता नहीं को पहले दूजे गेंद पे डिग के बांह तुड़ा बैठा है, वही रिकॉर्ड में लगाई हुई है इसने, देखो जी मेरा क्रिकेट का रिकॉर्ड। और क्रिकेट का बिल्कुल नहीं पता इसको, सिर्फ राणा टुंगा दूर का रिश्तेदार है इसका, उसी वाले से बात करते थे। और दूर का रिश्तेदार भी इसलिए कहता है कि हल्की सी मुशाबहत है, रिश्तेदार दूर का भी नहीं है। हल्की सी मुशाबहत नहीं बाबा, बना बनाया राणा टुंगा है। यार ऐसे तो ना करो, राणा टुंगा आखिरकार इंसान तो लगता था, ये तो बिल्कुल ही मान से पढ़ा लिखा चंपैंजी लगता। फैंटी तुम्हें अंग्रेज लगा रहे हैं, मेरे पीछे बिला वजह पड़ गए। अंग्रेज तो हमें ऐसे फैंटी लगा रहे हैं जैसे फैसलाबाद के बाजार में कोई डाकू पकड़ा जाए तो दुकानदार नहीं से फैंटी लगाते। हद हो गई है मान से, बच्चों की बेचारों की गेंद करा करा के बाजू शल हो गए हैं, आगे उन्होंने बैटिंग भी करनी है, अंग्रेज को कोई शर्म ही आई नहीं यार। वो देखे रूट छोटी नाम का मुंह 200 कर गए। 200 नहीं, खबर पड़ा फटाफट, मुझे ईमान से चक्कर आने शुरू हो गए। जी सुने, वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ कहते हैं कामयाबी धरने से नहीं कुछ करने से मिलती है, दो सीटें लेने वाले तहरीक भी ऐसी ही चलाएंगे। अरे वाह, कामयाबी धरने से नहीं कुछ करने से मिलती है। मुझे लग रहा है कि जिस अंग्रेज ने मियां साहब का ऑपरेशन किया ना डॉक्टर ने, वो हल्का फुल्का शायर भी था। देखो ना जरा, अदबी और लतीफी तबीयत तो मियां साहब की थी ही, अब शायरी तबीयत भी हो गई हुई है, जुगत भी शेर बना के कर रहे हैं। और खुशी इतनी है उनको आजाद कश्मीर का इलेक्शन जीतने की कि अच्छे भले घर में आराम कर रहे थे, फतह का सुनते ही दौड़े ही लगा दी उन्होंने। हाय 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 हाय, देखो यरा मान से मैं हरियाणा हो गया, 32 सीटें ही ले गए यार। ये पीपल्स पार्टी और ये तरीके इंसाफ ने 2-2 सीटें ली है, ये तो मोटरसाइकिल से छोटी जमाते निकली, मोटरसाइकिल के भी औखे सौखे होकर 3-4 बंदे बैठ जाते। जी अगली खबर सुने, वजीर अला सिंध कायम अली शाह ने अचानक दौरे पर कहा है कि कराची की सफाई पहले से बेहतर हो रही है, बड़ा शहर है, सफाई में 2-3 महीने लगेंगे। अरे बिल्कुल बड़ा थोड़ा टाइम दे दिया उन्होंने 2-3 महीने, वरना कायम अली शाह साहब तो घर से गड्डी तक पहुंचने में 2-3 महीने लगा देते। कई यार उनके दोस्त पूछते हैं ना जाके उनके चौकीदार को, यार कायम अली शाह साहब किधर है, तो कहते ओहो तो सवेरे सवेरे निकल गए सन, ए जान रहे जे। यानी देखो 3 महीने तो मेरा हाल है मीडिया को कलपते हुए, बल्कि दुनिया टीवी को कलपते हुए कई हफ्ते गुजर गए हैं कि खुदा का वास्ता कूड़े क्रिकेट की तरफ ध्यान दें। अब तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने क्रिकेट की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, आप भी दे लें कूड़े क्रिकेट की तरफ ध्यान, कुछ सुन नहीं रहा। अच्छा यार कायम अली शाह साहब ने अचानक दौरा किया, अच्छा सारे महकमे कायम अली शाह साहब से पहले पहुंचे हुए थे वहां पे, दौरा अचानक, और फिर कह भी रहे थे मीडिया वाले, क्योंकि
मुझे पता नहीं चला, मेरा तो दौरा अचानक ही था। ये भी कहीं अचानक ही निकल आए। उधर जो एमडी शेमडी चेयरमैन वगैरह थे ना, उन्होंने किसी ने कहा कि भाई जी मैं तो पले लेने आया हूं, तू ही कितने पले। किसी ने कहा कि मैं तो गुड्डी पीछे दौड़ता दौड़ता इधर आ गया हूं, आप कहां यहां पे। कैमली शाह साहब ने मीडिया से ये कहा होगा, असर ही मेरा अचानक दौरा कितना अचानक हो सकता है। दो तीन महीने में घर से गड्डी तक पहुंचते, उनका अचानक दौरा भी ढाई तीन हफ्ते का ही तो होगा। जी खबर सुने, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है मोदी मकबूजा कश्मीर और नवाज शरीफ आजाद कश्मीर को फतह कर रहे हैं। क्या वैसे है? बिलावल के इस बयान पे तो वो दो रंगीले का गाना ही बनता है, लोको वे लोको इस मुंडे नू रोको, होए लोको वे लोको इस मुंडे नू रोको। देखो ना जरा, सियासत में मकबूजा कश्मीर का बयान भी गुसार है। खुदा के वास्ते बिलावल साहब, कम अज कम मकबूजा कश्मीर के इशू को तो अपनी सियासत में ना तुरू के ले आए। वो एक अलहदा इशू है, वहां पे तो जो भारत जुल्म और सितम फैला रहा है उसको तो सारी दुनिया पहले ही देख ही रही है। ये जो आजाद कश्मीर के हवाले से नवाज शरीफ के फतह करने का बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान ये इलेक्शन कैंपेन में भी देते रहे, इनमें को असर होता तो हजूर आपकी दो सीटें ना होती। वैसे घबराए ना जनाब, आपको दो सीटें आजाद कश्मीर से मिल गई है और दो आपकी और जरदारी साहब की है ही। अगले इलेक्शन तक चार जने बैंक ताश खेलो, नतीजा ठीक निकलेगा। जी जरा खबर सुने, कुआलालंपुर में डेंगू मच्छर को काबू करने के लिए जदीद स्ट्रीट लाइट्स तैयार कर ली गई। क्या वजह, देखो यार क्या मानसे एडवांस हो गई है साइंस, डेंगू मच्छर को काबू करने के लिए स्ट्रीट लाइट्स बना ली है उधर मलेशिया में कुआलालंपुर में। ये हर गली की नुक्कर वाला जो खंभा होगा ना, उस पे ये बल्ब लगाया जाएगा, जो मच्छर भी गली में दाखिल होगा ये उसका शिनाख्ती कार्ड चेक करेगा। अगर तो शिनाख्ती कार्ड पे लिखा होगा अलामती निशान डेंगू, नो एंट्री, दौड़ जाओ। अलामती निशान सादा मच्छर, आओ जी लंगर लंगर। बहुत जदीद लाइटें ये बनी है, आहिस्ता आहिस्ता देखना क्राइम पे काबू पाने के लिए भी इन्होंने लाइटें बना ली। यार अगर मच्छर दोपहर को आ गया तो लाइटें तो बंद हो गई, फिर क्या करेंगे। यार दोपहर के वक्त एक एक बंदा बल्ब के पास खिला रहेंगे, वो बल्ब को ऐसे करके रखेगा, मच्छर को नजर आएगा जल रहा है जल रहा है। बोर्ड लगा देंगे कि दिन के वक्त मच्छरों का दाखिला बंद है। देखो यार देखो, अमान से पढ़ाई का ये फायदा होता है। यार मजाक ना करो, ऐसी कोई बात नहीं, दोपहर को अगर बल्ब बंद भी होगा मच्छर अंदर घुस भी जाएगा तो वारदात करके वापस आते हैं उसे शाम पाड़ी जानी है, वापसी पे तो वो चेक हो जाएगा ना बल्ब के। तो इतनी देर में तो कई इंसानों को काट चुका होगा। यार तुम तो मच्छरों की तरफ हो या लोगों की तरफ है ये बताओ। और भाई जी जब पकड़ा जाएगा तो उसको पूछ लेंगे कि किस किस को काट के आए हो, उसको फटाफट इंजेक्शन लगवा लेंगे। ये तो फिर सारा असर हो जाए डेंगू अंदर, तो तीजे चौथे दिन फिर पता लगता है। जब वो बता देगा कि भाई जी मैं इस गली में गया हूँ, वहां पे मैंने थैले को काटा है, उसके साथ जो लड़की खबरें पढ़ती है उसको काटा है, एक हैट वाले बंदे को काटा था उस वक्त से मुझे चक्कर भी आ रहे, बाकी मैं निकल आया हूँ और वारदात मुझसे हुई नहीं कोई। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनैत इतना जुल्म कर रहा है ये भारत मकबूजा कश्मीर में, कोई किसी तरफ से को अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोपीय यूनियन किसी तरफ से भी कोई ऐसा तगड़ा अभी तक को बयान को रद्द अमल सामने नहीं आ रहा, ऐसी बेहिसी छा गई है ये दुनिया में। यार मेरा ख्याल है कि आलमी जमीर नाम की जो एक इस्तलाह इस्तेमाल होती है ना, वो सिर्फ मेरा ख्याल खबरों और मजामीन में लिखने के लिए ही होती है। ओ यार मैं एग्जिस्ट नहीं करता आलमी जमीर। मान से एक खबर पड़ी है को अरफात बच्चा नामी, अरफात नामी, उस बेचारे का लिखा हुआ था डायलॉग लिखा हुआ था कि अम्मी मुझे पूरे जिस्म में बड़ी दर्द हो रही है, उस बेचारे को शर्रे मारे, सारे उसके जिस्म में शर्रे खुबे हुए हैं।
है को बात करने वाली मासूम बच्चों की आंखों में, इंसानों की आंखों में ये वो शर्रे मार रहे हैं, उनको नबीना कर रहे हैं। कौन बोलेगा, कौन इस पे बात करेगा? ये जो कश्मीर की हालिया लहर है आजादी की तहरीक की, इससे एक बात तो साबित हो गई है जो मैं कह रहा हूँ कि आलमी जमीर नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम देखो कि बड़े मुल्कों की बेहिसी, आलमी ताकतों की बेहिसी तो अपनी जगह। मैं दो तीन दिन से देख रहा हूं सोशल मीडिया भरा पड़ा है, फेसबुक की जो दो अमली जो मुनाफकत सामने आई है, मार्क जुकरबर्ग जो उसका मालिक है, उसकी जो मुनाफकत बिल्कुल बरहना होकर वो जिस तरह सामने आया है, सिर्फ ये है कि उसका हिंदुस्तान के साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और हिंदुस्तान का उसके साथ है। इस वक्त आलम यह है कि पिछले 15 दिनों के दौरान बुरहान वानी की शहादत के फौरन बाद से लेकर अब तक कमोबेश 3 लाख से लेकर 3.5 लाख फेसबुक अकाउंट्स सिर्फ इस वजह से या बंद कर दिए गए या उनकी पोस्ट डिलीट कर दी गई हैं कि वो बार बार प्रोफाइल पिक्चर जो है अपनी वो बुरहान वानी की लगाते हैं या कश्मीरियों को वो टेररिस्ट नहीं लिखते बल्कि सेपरेटिस्ट लिखते हैं, फ्रीडम फाइटर लिख रहे हैं। जिस मजमून में आपने कश्मीरियों को फ्रीडम फाइटर लिख दिया वो एक दिन में फौरन तौर पर डिलीट कर देते हैं। आप दोबारा पोस्ट करेंगे, दोबारा डिलीट कर देंगे और फिर फेसबुक की तरफ से आपको मैसेज आ जाता है कि अगर आपने अब दोबारा ये हरकत की तो हम आपको परमानेंटली डिलीट कर दें। नहीं तो इस तरह की क्या समझते हैं कि पोस्टें डिलीट करने से, मैसेजेस डिलीट करने से तहरीकें रुक जाया करती हैं। जहां पे कहीं आजादी की पनीरी लग जाए उसने दरख्त बनना ही बनना होता है। बहुत अच्छा, ये तो हो ही नहीं ना सकता कि ये रुक जाए को रह जाए बीच में, ये तो अब है, ये शुरू हो गई हुई है। जहां पे वो लोग इतना जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, गोलियां अपने जिस्म पे खा रहे हैं, मासूम बच्चे अपने नबीने करवा रहे हैं, क्या इनकी मत मारी हुई है? इनको ये समझ नहीं आती कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद वो घर बैठ जाएंगे आराम से? ये जो हमारे मशहूर अदाकार हैं और सोशल रिफॉर्मिस्ट हैं हमजा अली अब्बासी, उन्होंने एक अपना स्टेटस अपडेट किया था फेसबुक पे, और उससे सादा सी बात थी, उन्होंने लिखा था कि ये बुरहान वानी कोई मौलवी नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई मौलवियों का फंडेड बंदा नहीं है, सिर्फ अपने भाई की शहादत के बाद उसने ये राह अपनाई है और वो आजादी की बात करता है। इस पे उसका जो अकाउंट है वो डिलीट कर दिया गया, उसकी पहले पोस्ट डिलीट की गई, फिर उसको धमकी दी गई कि दोबारा पोस्ट की तो मैं डिलीट कर दिया जाएगा। सर वैसे अगर इंडिया के साथ फेसबुक का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो हमारे साथ क्यों नहीं है? जाहिर है कि हिंदुस्तान बड़ी ताकत है इस वक्त। उसका मार्क जुकरबर्ग ने पिछले मेरा ख्याल है चंद माह के दौरान मोदी से 2 मुलाकातें की हैं, एक अमेरिका में हुई है, फिर मार्क जुकरबर्ग जो है वो खुद हिंदुस्तान आया था। ये जो मोदी का प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, उसके तहत वो कमोबेश 1 अरब से ज्यादा हिंदुस्तानियों को ये इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं। अरबों डॉलर आबादी बहुत बड़ी है ना, 1.25 अरब की आबादी है, जाहिर है उसकी फेसबुक या जो भी उसका सिलसिला है उसके लिए कस्टमर उसे एक ही जगह से अगर 1.25 अरब मिल रहे हैं तो वो हमारे मुल्क की तो आबादी उसके मुकाबले में बहुत थोड़ी है। तो बकायदा वो यूं लगता है कि ये जितनी पोस्ट है ये हिंदुस्तान या मोदी के खिलाफ नहीं हो रही, मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ हो रही है, वो इस तरह रिएक्ट कर रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि इसका ये मतलब तो नहीं कि उधर 1.25 अरब उसे कस्टमर मिल रहा है और हमारे यहाँ अगर 20 करोड़ है तो आप 20 करोड़ों को इंसान ही ना समझे, या कश्मीर में लाखों में है तो आप उनको बंदा ही ना समझे, उनके मासूम बच्चों को आप इंसान ही ना समझे, उन तीन को उन बूढ़ों को आप यही ना समझे कि इनके जिस्मों में जान है, आप उन्हें दीवार समझ लें या आप उनको ईंटें रोड़े समझ लें। दूसरी तरफ तो उन निहत्ते शहरियों की मकबूजा कश्मीर के उनकी बेबसी देखो कि वो बेचारे किस अंदाज में अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हिंदुस्तानी फौज के साथ, कि जहां पे यानी कर्फ्यू के दौरान उनके घरों या दुकानों के बाहर हिंदुस्तानी फौजी आके बैठते हैं, जब वो रात को उठ के जाते हैं तो वहां पे गंदा मोबाइल फेंक देते हैं शहरी कि कल दोबारा आके यहाँ पे हिंदुस्तानी फौजी ना बैठे। ये देखो, ये मैं तुम्हें तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये 1-2 दिन पहले अखबारात में शाया हुई है तस्वीर। लो यारा देखो ना, वो थड़ी बनी हुई है जो आगे दुकान के उन्होंने सारा ऊपर मोबाइल मल दिया हुआ है और नीचे वाली थड़ी पे भी। मगर यार जुनैद मैं ये कहता हूँ कि ये जो फेसबुक का मालिक है इसको ये शर्म हया नहीं आती है, इसको वो नहीं नजर आता जो फेसबुक के ऊपर
लाखों की तादाद में ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो फिरका वाराना फसाद फैला रही हैं, जो इस्लाम के खिलाफ है, जो नौज़ बिल्ला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन के जुमरे में आती हैं, वो इनको नजर नहीं आती। उस वक्त ये कह देती हैं जी के इजहार ख्याल की आजादी है, तो फिर ये मकबूजा कश्मीर में भी इजहार ख्याल की आजादी है, इसको किस लिए बंद कर रहे हो, मामे लगते हो फिर? ये गुजरात और मुजफ्फरनगर में जिन लोगों ने हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया था, बाल ठाकरे और उदय ठाकरे, उनकी तस्वीरें आप प्रोफाइल के तौर पे लगाएं तो मार्क जुकरबर्ग को कोई एतराज कोई तकलीफ नहीं है, उसको फखर के साथ लगाते हैं, डिस्प्ले करते हैं। बस ये पूरी दुनिया पे यही सिलसिला चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी बहस। और तुम ठीक कह रहे हो, इस वक्त जो लाठी है वो भी पैसा ही बन गया हुआ है, जिसके पास पैसे है ना जी, जिस जहां जहां पे पैसे का इंटरेस्ट है किसी का भी, उसके पास वो खौफ थले आया हुआ है, कोई इंसानियत नाम की चीज तो नजर ही नहीं। मेरी एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उसका कहना यह था कि मुझे 100% यकीन है कि फेसबुक इंतजामिया सिर्फ इन अकाउंट्स को ब्लॉक या डिलीट नहीं कर रही, बल्कि वो लाजमन अपनी जो इंफॉर्मेशन है, इन जो कश्मीरियों की इंफॉर्मेशन है जो फेसबुक के जरिए वो एक्सचेंज कर रहे हैं, वो लाजमन हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तानी फौज के साथ भी शेयर कर रही होगी। तो कर रही होगी, अगर उनके कहने में इतना कुछ कर रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है करने में, वो तो लाजमन कर रहे होंगे। ये जो फेसबुक का तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम्हारी बात हुई है, वो मेरा तो नहीं था पूछ रहा। पूछा था, वो कह रहा था यार उसको साथ ही ले आते, उसे कोई अंग्रेजी अंग्रेजी थोड़ी सीख लेते, उसको बताना था ना इतना वीडियो फारग छत्ती और जगह पर मशरूफ होता है, उसने जाके यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देने होते हैं। मार्क जुकरबर्ग के स्पेलिंग पूछ लेता फिर, किसके? मार्क जुकरबर्ग के स्पेलिंग पूछ लेता। तुम साथ ही थे, तुम कौन सा दौड़ जाना था, अगर मुझे भी ना आते फिर स्पेलिंग है बड़े मार्क जुकरबर्ग, ऐसे बंदों को मिलते ही क्यों जो वो स्पेलिंग पूछ ले जो आते ही नहीं बंदे। अच्छा यार, ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटी सी वजाहत मैं जरूरी समझता हूं कि गुज़िश्ता रोज कटहरे के सेगमेंट में हमारे एक साथी ने बिल्कुल नादानिस्तगी में फैसलाबाद के एक मुअज़्ज़ज़ सियासतदान का नाम लेकर इलियासा चौंठिया कह दिया था, जिससे उनके कुछ अजीज़ो अकारब की गालिबन दिल आजारी हुई है। हम इस दिल आजारी पर उनसे तहे दिल से माजरत चाहते हैं, लेकिन हमारा मकसद खुदा न खास्ता किसी की अहानत या तज़हीक हरगिज़ नहीं था। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हजूरे वाला, वो अजीजी एल्बम के लिए आपका कैमरा मुरम्मत होने के लिए गया था, कहाँ रह गया? अजी वो आंख के ले आए हूँ वापस, फिर हो गया ठीक? नहीं बहुत ठीक, क्या होना था है? एक पुरिया कोई खराब था, मैंने कहा कितने का पुरिया? कहता जनाब 28,000 का। तो मैं कह नवा कैमरा आजकल कितने का आता है? कहता 1800 का। वो फिर मैं उसको दे के ना कैमरा, 1800 वाले 6 कैमरे ले आए। जी थोड़ी सी बहस करते ना तो 1550 मिल जाना था। अच्छा जी, 1550 का जो कैमरा है ना वो भी है उधर। अच्छा, उधर तस्वीर खींचो ना पा जनैद सलीम की, तो रिजल्ट उसका गौरी का आता है। इसलिए मैंने कहा 300 बाद खर्चो फोटो तो ठीक आए। आज जो अजीजी एल्बम देखेंगे वो 6 कैमरों से फिल्माया गया है, मुख्तलिफ स्टिल फोटोग्राफी भी की गई है। एक कैमरे की कीमत 1800 रुपए। हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ जी ऐसी अच्छी क्लिक 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 क्लिक। वो वाला कैमरा कहाँ है? वो बेच दिया। वो उसमें मैं एक दिन बच्चों को दिखा रहा था ना, देख देख 12 मन की धोबन देख, लकड़हारा देख, तो रस्सी टूट गई। फिर मैंने बीच में ही लकड़हारे को ही कहा कि बाबा जी ये रस्सी लपेट के तो सैंडल हो जाओ। उसने फिर सैंडल लपेट दिया। परे ला जनाब, आज जो पहली वीडियो आपको दिखा रहा हूँ वो कुछ यूं है। अभी चंद दिन पहले मैट्रिक का रिजल्ट निकला है जी। गोश में लड़कों ने पोजीशनें ली हैं, मगर जो चंद बेचारे वही मस्कीन मुश्किल मिजाज नलायक बच्चे हैं, उनके हवाले से सुनाने लगा हूं कि मैट्रिक के रिजल्ट के फौरन बाद वो लायक तरीन बच्चे अमली जिंदगी में कदम रखते हो। दूधिया सिटे मैट्रिक पास सिटे मैट्रिक पास होते तो ये सेना बेच रहे होते। मैं नहीं पाई जी, सिटे मैट्रिक पास। Thank you.
रोई जा रहे हैं, छलियां भुनने हैं कि गंडे कटने हैं? लो जी अब आपको मंजर दिखा रहा हूं। इंग्लैंड में लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम की सेलिब्रेशन। वाओ, लजी अब मंजर पेश कर रहा हूं। इसी लॉर्ड्स टेस्ट में अंग्रेजों का मैच हारने के बाद रद्द अमल। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। लजी अब फिल्म पेश कर रहा हूं। सिंध हुकूमत के अवाम को वाफर मकदार में पानी सप्लाई करने के दावे के बाद कराची का एक बशिंदा जुम्मे वाले दिन खुले पानी से गुसल करते हुए। साबन भी लगा ले थोड़ा सा। शुक्रिया, अभी तो पूरा टब भरा हुआ है और ना आले। भाई अभी चार अफराद और हैं, मैं अकेला नहीं जुम्मा पड़ता। लो जी अब आपको वीडियो दिखा रहा हूं। आजाद कश्मीर में पॉपुलर तरीन जमात पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद अपनी जीती हुई सीटों की गिनती करते हो। सीटों पर कनात कर गए। लजी अब आपको मंजर दिखा रहा हूं। अल मारूफ पनामा लीक्स के मसले पर मुत्तहिदा अपोजिशन हकूमत के खिलाफ अपना मुत्तफिका लायहा अमल का ऐलान करते हुए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से लजी अब आपको फिल्म दिखा रहा हूं। पनामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से हमारी प्यारी हुकूमत अपने असूली मौकफ को दोहराते हुए। मट्टी डाल दे, मट्टी पाओ। चाहती हुकूमत यही है कि किसी ना किसी तरह पनामा लीक्स की इन्वेस्टिगेशन पर फातिहा पढ़ दी जाए। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।